गाइज वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करते हैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल दीपक जसव ब्लॉग पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोग को दिखाई देता हूँ टाइम कितने हो रहे घड़ी में, कहाँ दिखाएं आप लोग को, चलो दिखाते हैं। पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग आराम कर रहे हैं, भाभी भी सो रही हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, क्योंकि टाइम घड़ी में 1:48 1:48। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से रात को 2 बजे घर से दिल्ली के लिए रवानगी करते हैं, यानी किटो घर पहुंचते हैं। और इस ब्लॉग में आप लोगों को बहुत बड़ी सरप्राइज रहेगी और बहुत ही इंजॉय आप लोगों को मिलेगा। यानी ये ब्लॉग मैं दिल्ली ही पहुंच के समाप्त करूंगा, ये ब्लॉग मैंने शुरुआत कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी सरप्राइज, ये बहुत बड़ा गिफ्ट जो कि आप लोग को भी ले रहेगा और हमारी बहन किट्टो के लिए भी रहेगा। इतना बिग गिफ्ट मैं देने वाला हूँ किट्टो को, तो आप लोग दिल थाम के बैठे रहेगा, पूरा का पूरा ब्लॉग देखिएगा और ब्लॉग के अंत तक जुड़े रहेगा, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है इस ब्लॉग में। आप लोग भी बहुत खुश हो जाओगे ये ब्लॉग देख के। तो चलो शुरुआत करते हैं, शुरुआत तो हो ही चुकी है। तो 2 बज रहे घड़ी में, तो निकल रहे हैं हम यहाँ पे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो भी 4 घंटे लेट चल रही है। तो यानी 11 बजे ट्रेन थी और आ रही है सुबह के 4 बजे, यानी अभी हम घर से निकलेंगे तो 1 घंटे लगेगा स्टेशन पहुँचने में। तो 1 घंटे वहाँ पर वेट करेंगे और दिखाते हैं कौन से स्टेशन से हमारे ट्रेन है और कितने बजे आती है, तो आप लोग को भी हम दिखाएंगे। बाकी जैसे मैंने बताया कि सब लोग भी सो रहे हैं तो इन लोग को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि हम घर से निकलने वाले हैं। तो हमने ऑलरेडी हमारा लगेज वगैरह सब पैक हो चुका है और हम आगे बढ़ते हैं। और बाबू के लिए मैंने गिफ्ट वगैरह कपड़ा वगैरह सब कुछ ले रखा है। हम पानी थोड़ा सा ले लेते हैं और यहाँ पे सभी लोग सो रहे हैं और हम अभी रेडी हो ही रहे हैं। कुछ सोच रहे हैं, कुछ भूल तो नहीं रहे हैं, कुछ तो भूल तो नहीं रहे हैं, कुछ नहीं भूल रहे हैं। तो चलो चलते हैं और आप लोग बन रहे ब्लॉग में, मम्मी भी कहाँ है, पापा कहाँ हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा क्यों टाइम काफ़ी हो रहा है, निकलना भी है। इधर पापा जी हमारे सो रहे हैं, मम्मी भी आराम कर रही हैं, लगेज हो गया हमारा पैक। टाइम ही आप लोग को हम दिखाना चाहते थे, घड़ी हमारे घर में थोड़ी से लेट चल रही है घड़ी। ओहो चलो चलते हैं नीचे। ओहो वो आ गया हम एकदम नीचे, काफी देर है, सटर खोल लेते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं और टाइम भी दिखाते हैं। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हम और पवन भाई स्टेशन, और लगेज देख सकते हैं हम लोग का, एक लगेज ये लगेज ये। और कैसे कैसे आए भाई साहब, भागते भागते दौड़ते दौड़ते नहीं, और जो हम लोग आने वाले थे कार से तो आने पड़ा बाइक से। हाफ इस रहे कि सीढ़ियों से चढ़ के आए ना, बहुत दिक्कत हो रही है। और जो रास्ते से आए हम लोग बाइक से आए, काफ़ी ठंड थी यार, हालत हो गई पवन भाई ख़राब ना बहुत, और हमको यूवी और हर्ष आया था छोड़ने के लिए। तो हम लोग फाइनली ज्ञानपुर स्टेशन पहुँच चुके हैं यहाँ पे, अभी हमारी ट्रेन अभी 1 घंटे है बाकी आने में। ट्रेन बहुत लेट हो गया, हम तो सो गए थे, नींद लग गया, सभी सो गए। जैसे मैंने बताया घर पे ना कि हम सो गए थे, अलार्म लगा के उठे, जब अलार्म बजा तब आँख खुली, तुरंत उठे। तो दीपक भाई ने कॉल किया, मैं भी उठ गया तुरंत तुरंत, स्वेटर पहना चल दिया। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, बाकी हम लोग ब्लॉग में ट्रेन आता है फिर मिलते हैं, कई दो रील्स भी बना लेते हैं। बाबू तो इतना बड़ा लगेज है ना, क्या किया जाए। तो जो मैं सरप्राइज बता रहा हूँ आप लोगों को, सरप्राइज देखने को मिलेगा कितना बड़ा गिफ्टेड किटों को मैं देने वाला हूँ। ब्लॉग आप लोग देखोगे भी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलो बने रहो ब्लॉग में, ट्रेन आती है। ठंड यहाँ बहुत है, क्योंकि वहाँ गाजियाबाद भी ठंड बहुत रहेगी। हमारी ट्रेन आ गई है, अपन भाई चढ़ रहे हैं गाड़ी ट्रेन में और हम लगी थोड़ा सा रख देते हैं, पकड़ो चलो। हाँ यार बहुत इंतजार कराया, तो B9 हमारा कोच है, तो चलते हैं इसके अंदर हम। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल। ये रहा कानपुर सेंट्रल जहाँ पे हमारी गाड़ी अभी पहुंची है 5 घंटे लेट होने के बाद कानपुर पहुँची है। और अभी हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, बाकी और भाई जब सो रहा है और भाई जब जा चुका। ये रहा कानपुर सेंट्रल, आप लोग देख सकते हो। ओहो कानपुर कानपुर कानपुर। पहले हम लोग पहुंच चुके हैं गाजियाबाद रेलवे जंक्शन। क्यों जी कैसा लगा सफर?
बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि ट्रेन बहुत लेट था। अभी हम मिल चुका है कि ट्रेन में खाते भी नहीं है, कुछ खाए पिए भी नहीं है। अभी गाइस हम लोग ब्रश भी नहीं किए हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि जो सरप्राइज है, जो गिफ्ट गिफ्ट मैं देने वाला हूँ, तो आप लोग से शेयर कर देता हूँ और बता ही देता हूँ कि क्या गिफ्ट है। तो पीछे आप लोग देख सकते हो कौन नज़र आ रहा है, मेरी माता जी। मम्मी को मैं साथ लेके आ गया हूँ और ये कि सरप्राइज़ दे दिया। और भाभी का प्लान कैंसिल हो गया कि बाबू का हमारा एग्ज़ाम चल रहा था और इसलिए भाभी का आना कैंसिल हो गया और मम्मी को मैंने लेके चलाया। मम्मी पीछे अभी आ रही हैं, अभी मम्मी से बातें रू रू कराएंगे, फिर किट्टू घर पहुँचते हैं, फिर आप लोग से मुलाकात होगी और देखेंगे आप लोग। और अभी तो ब्लॉग देखा मैंने, पूनम दीदी वगैरह सब लोग पहुँच चुकी है और हम तो क्या ही बोले, देखा हुआ रास्ता है तो किसी को नहीं कहेंगे आने के लिए, खुद चलते हैं, ओला उबर करते हैं। ये सरप्राइज रहेगा, सस्पेंस रहेगा कि कौन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। ऐसे तो पता है केवल मैं आ रहा हूँ और पवन भाई आ रहे हैं। तो ये ट्रेन काफ़ी ही झिला के आई है भाई साहब, 5 घंटे लेट होके आई है। तो चलो दोस्तों बने रहो, थोड़ा सा ओला उबर कर लेते हैं और मम्मी से मुलाकात कराते हैं, तब तक आप लोग बने रहो ब्लॉग में। मम्मी से मुलाकात कर लीजिए। मम्मी कैसा लग रहा है? अभी सबको सस्पेंस में है कि आप आ रही हो नहीं आ रही हो। चलो दोस्तों क्या ही बोला जाए, पहुँचते हैं वहाँ पे, मुलाकात करते हैं, आप लोगों से कराते हैं। मम्मी थोड़ी सी ज़्यादा खुशी में है, एक्साइटेड भी है क्योंकि बाबू का फर्स्ट बर्थडे है और इतना बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो पूरा परिवार को आना चाहिए। और आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि मम्मी को ज़रूर लेके जाइएगा, तो मम्मी को लेके हम चले ही आए। और हम भी, हमारा तो पहले ही बताए थे हम, हाँ एकाएक मैंने अचानक से बोला नहीं चलो चलो, कमेंट भी आ रहा था कि मम्मी के लेके जाओ, मम्मी भाव खा रही थी इस बार, किट्टू कह रही नहीं आएंगे, भाव खाएंगे। बस ये सब चीज़ें हैं। और ट्रेन ना झिला दी भाई साहब ना, क्या ही बोले हम। चलो दोस्तों पूजा बैठ गया होगा, पूजा वगैरह सब बैठ गया होगा, नाश्ता पानी हो, मैसेज भी किट्टू का आ गया, ब्रेकफास्ट रेडी है, आके सब लोग कर लो। तो अभी तो ट्रेन में तो कहाँ से करेंगे हम। चलो चलते हैं, बाबू से मिलोगी फिर। अभी पूनम दीदी भी पहुँच गई हैं, सब पहुँचे, खाली हम ही लोग बाकी हैं। और पता नहीं रुद्राभिषेक में हम लोग पूजा में सम्मिलित हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तैयारी तो पूरा करके आए हैं, जैसा होता है फिर हम लोग से बताते हैं। फाइनली हमने उबर कर लिया है और हम लोग कार में बैठ गए हैं। और क्या ही बोले, अब सब लोग देख के बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे, यानी सब लोग शौक हो जाएंगे कि हम लोग रात को, अभी हम लोग घर पे ही थे, यानी 3 बजे तक सुबह के घर पे थे और अभी जस्ट यहाँ पहुँच रहा हूँ। सब लोग ये भी सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, फ्लाइट तो नहीं आगे ना जल्दी, क्यों मम्मी सब ये सोचेंगे ना। तो हम लोग किसी चीज़ को यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग पहुँचने वाले हैं। अभी बड़े भैया कॉल आया था, मैंने बोला गाजियाबाद हूँ, बोले मैं मान ही नहीं सकता 3 बजे भी तुम भोर में घर पे थे। झूठ बोले, कौन सा ट्रेन है बताओ, स्टेशन कहाँ हो। तो चलो आप लोगों को कैसा लगा आज का सस्पेंस वाला वीडियो, और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और ये गिफ्ट केवल किट्टो के लिए था, और क्योंकि मम्मी को ज़्यादा मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा ही बुला रही थी, तो हमने कहा चलो उसकी मनोकामना पूरा कर देते हैं। और ये ब्लॉग जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो काफ़ी बेहतरीन काफ़ी अच्छा आएगा। तो इन शब्दों के साथ इस ब्लॉग को करते हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करके जाना और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल शेयर करना, अपने भाइयों को प्यार देना। चलो बाय बाय।